सो रोल ऑफ जीरो। सो अभी हम देखिए कि हमारा एक होल नंबर है 2+2, इसमें अगर हमने जीरो ऐड करा तो क्या हो गया, ये 0+2। ओके, सो अब 0+2 का आंसर क्या होगा, 2। सो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ अ जीरो टू अ होल नंबर। ये जो हमारा था 2 क्या था, इट वॉज अ होल नंबर। सेम अगर हम कोई इंटीजर को देखते हैं तो इंटीजर में हम क्या देखते हैं, -5+0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जैसे हमने इसको रिवर्स कर दिया था, हमने क्या देखा, 0 and -5। तो 0 and -5, तो या हम -5+0 करें या 0+-5 करें, हम क्या कर देखेंगे, हमारा आंसर विल बी -5। तो दिस वॉज द एडिशन ऑफ जीरो विद अ इंटीजर। नाउ वी लुक फॉर द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमारा -2+7। ओके, अब ये देखिए थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है, यहाँ पे हम पूरा एग्जाम देख रहे हैं, 0+-2/7। तो अब हमें आइडिया लग गया ना कि ये जो हमारा ब्लैंक है, व्हाट कैन वी राइट, बिकॉज हम जीरो की बात कर रहे हैं और हम फाइनल देख रहे हैं आंसर इज कमिंग -2/7। तो वी नो वी हैव टू पुट अ जीरो हियर। सो दिस वॉज द एडिशन ऑफ ए जीरो टू अ रेशनल नंबर। सो अभी हमने क्या देखा कि वेन एवर वी आर एडिंग जीरो टू अ होल नंबर और टू अ इंटीजर और इवन टू अ रेशनल नंबर, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। जो वैल्यू रहती है वो ही हमारा आंसर बनता है। सो जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ द फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, उनके जो हमारे नंबर्स हैं उनकी वैल्यू में देयर इज नो चेंज, इवन देयर इज नो चेंज इन द साइन। माइन जैसे हमने देखा था -2/7, तो वो माइनस ही रहा। हमने प्लस, हमने होल नंबर देखा था +2+0। ओके, मींस +2 मींस 2+0, तो वो पॉजिटिव था, तो आंसर वाज 2। हमने एक इंटीजर का देखा था -5, तो +0 will be द आंसर विल बी -5। तो इट जो था, ये जो जीरो था, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। और उसके साथ, रेशनल नंबर के साथ, इट इज ऑल्सो द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी विद द इंटीजर्स एज वेल एज विद द होल नंबर्स। मीन्स हम चाहे इंटीजर्स लें, होल नंबर्स लें, रेशनल नंबर्स लें, सब में जीरो उन वैल्यूज की आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। नाउ द रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन में देखिए हमारा 5 × 1 5, ओके, इवन अगर हम 1 × 5 बोलेंगे तब भी 5। सो दिस वॉज, देख रहे ये हमारा जो 5 था डेट वॉज अ होल नंबर, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 विद द होल नंबर। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द इंटीजर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 विद द इंटीजर। इंटीजर इज, हमने ये इंटीजर भी लिया है और हमने इसको एक रेशनल फॉर्म में भी लिया है। ओके, सो -2/7 × 1, ठीक है। अब क्या आएगा इसका आंसर, हमारा आंसर आ रहा है -2/7, तो आप देख रहे हैं हम दोनों फॉर्म में करते हैं, हम एक बार करते हैं 1 × 5, एक बार करते हैं 5 × 1, तो ये -2/7 × 1 है, तो वी कैन राइट 1 × -2/7, लिख सकते हैं या नहीं, हाँ। और इसका जो हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज -2/7, ठीक है। नाउ ये हमारा रेशनल नंबर आया 3/8, यहां पे आप देख रहे हैं 1 × 3/8 एंड द फाइनल आंसर इज 3/8, दिस मींस यहां पे आप 1 लिख सकते हैं। तो इन योर बुक्स एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम्स आपको इस टाइप से सम्स मिल सकते हैं।
तो बाय इफ यू लुक एट द होल इक्वेशन, ये जो पूरी एक इक्वेशन दे रखी है, तो इजिली यू कैन कम टू नो वॉट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक एरिया, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर इज 3/8। ओके, सो हम अब देखिए, ये जो हमने रोल ऑफ वन करा है, इसमें वी हैव डन द मल्टीप्लीकेशन का पार्ट, वी हैव नॉट डन द एडिशन पार्ट। इस बात का ध्यान रखें कि एडिशन अगर करेंगे तो हमारी एड ऑन वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे देन द वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके, सो वन क्या है, वन इज द अभी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। हमने उसमें क्या देखा था, एडिटिव आइडेंटिटी, ये है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर्स। और दिस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑल्सो गोज विद द इंटीजर्स एज वेल एज ऑल्सो विद द होल नंबर्स। ओके, नाउ नेगेटिव ऑफ अ नंबर, तो वॉट इज द नेगेटिव ऑफ वन, वन का नेगेटिव विल बी -1। ओके, तो वी कैन से वन इज द क्या है, नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। तो दोनों बातें कह सकते हैं, या तो नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स। तो जब हम सीन नंबर को विद अपोजिट साइन लिखते हैं देन इट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स, और माइनस ऑफ -1 और वाइस वर्सा। तो एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ के देखते हैं, वी कैन से वन इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे देखिए, हम वन है अगर हमारे पास, तो इसका नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स विल बी -1। ओके, बट इफ यू हैव -1 तो इसका नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स विल बी 1। तो अगर हम इसमें देखें तो 1 का जो जा रहा है दिस इज नेगेटिव, एंड -1 का अगर हम एडिटिव इनवर्स लें दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आज ये हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं बिकॉज इन सम ऑफ योर सम्स यू आर गोइंग टू गेट दिस टर्मिनोलॉजी कि आप इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए या आप इसका नेगेटिव लिखिए। तो एडिटिव इनवर्स हमारा जाता है जब हम नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, और नेगेटिव चलता है व्हेन वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू। नो, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ 2? वेरी सिंपल, नेगेटिव ऑफ 2 सेम नंबर रखेंगे 2 एंड वी विल पुट अ माइनस साइन, सो दिस इज द नेगेटिव इनवर्स ऑफ 2। तो नेगेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2, सो वी कैन से 2 इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। समझ में आ गई? तो 2 क्या है, या तो इसको कहेंगे 2 इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, और वाइस वर्सा अगेन -2 का अगर हम बात करेंगे तो डेट विल बी 2। सो हमने इसमें क्या सीखा कि इन जनरल वी कैन से ए इज द नेगेटिव ऑफ -a एंड -a इज द नेगेटिव ऑफ +a। बात हो गई ना, जो हम आपको कह रहे थे, a का अगर नेगेटिव करेंगे -a और -a का अगर हम वो करेंगे तो इट विल बी प्लस का ही। ओके, नाउ फॉर रेशनल नंबर्स, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑफ 2/3 का, तो द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 विल बी क्या हो जाएगा, -2/3। सो 2/3 प्लस -2/3, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम सीधे इन वैल्यू को वी कैन डायरेक्टली पुट इट लाइक दिस, तो 2 प्लस -2, तो 2 -2 इज 0 एंड 0/3 इज 0, सो इट इज 0। ओके, इसका अगर हम देखेंगे तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 0/3, एंड 0/3 की वैल्यू इज 0। तो सिमिलरली अब हम जैसे आप क्या करा, अभी हमने ब्लैंक्स करे थे ना, तो लेट अस ऑब्जर्व दीज ब्लैंक्स। अब कैसे, हमारी सेम थ्योरी चलेगी जो हमने पहले करा था,
कि वी आर गोइंग टू लुक फॉर द आंसर, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अदर थिंग्स, और उसको हम फिर वी विल ट्राई टू फिल द ब्लैंक्स. अब माइनस 8/9 है, वी हैव टू एड समथिंग एंड द फाइनल आंसर इज 0. तो हम क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे. एडिटिव इनवर्स विल बी 8/9. द सेम वे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके, सो ये इक्वल टू हम यहां से हटाते हैं एंड सो ये हमारा आया 8/9. तो इन द सेम वे इफ वी सॉल्व तो 9 - 8 + 8, सो आंसर क्या आएगा, 0/9. सो फाइनल आंसर विल बी 0. ओके, सो अब हमारा -8/9 हमने सेकेंड पार्ट में लिखा है, बट वी वॉन्ट द आंसर इन 0, तो वही हम सेम सिंपल 8/9 लिखेंगे. ओके, सो अब हमारा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वॉट कैन वी गेट, इसको सॉल्व करो तो हमारा अगेन इट इज 9 एज ए एलसीएम एंड देन 8 - 8, अगेन 8 - 8 इज 0/9, द फाइनल आंसर इज 0. ओके, सो अगर हमारा फाइनल आंसर इज कमिंग 0, तो जो वैल्यू दे रखी है उसका हम सेम वैल्यू रख के लेकिन साइन अपोजिट कर देंगे. पॉजिटिव है वी विल पुट नेगेटिव, इफ इट इज नेगेटिव वी विल पुट पॉजिटिव. तो इसमें आपने क्या देखा, नेगेटिव था वी पुट द पॉजिटिव नंबर हियर, पॉजिटिव रेशनल नंबर हियर. सो फॉर रेशनल नंबर्स अभी हमने क्या सीखा कि वी कैन से फॉर अ रेशनल नंबर लाइक a/b और a - a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b एंड ab इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b. सेम जैसे हमने होल नंबर में करा था, इट इज सेम a/b का एडिटिव इनवर्स -a/b, और अगर हम -a/b की बात करें इट वुड बी a/b. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? मूविंग फर्दर, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल. व्हाट आर रेसिप्रोकल? अभी हमने पहले वाले सेशन में व्हेन वी वर डूइंग द क्या डिवीजन का थिंग, तो डू यू रिमेम्बर बताया था मैंने कि डिवीजन को करने के लिए फर्स्ट वी पुट डाउन द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड देन वी रेसिप्रोकेट द वैल्यूज. तो आज हम इसको एक बार और ध्यान से देख रहे हैं कि बाय विच रेशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8/21 टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ 1. ओके, अब इसके लिए कि आप यहां पर क्या करेंगे, ओके, व्हाट विल यू राइट हियर? तो 8/21 का ब्लैंक इज देयर दैट यू गेट 1. ओके, लेट अस सी. सो रेशनल नंबर c/d इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एनदर रेशनल नंबर. ठीक है, सो इसलिए अभी मैंने आपको ये इसलिए स्टेटमेंट दिखाया कि अब हम पहले वाली स्लाइड को वी आर गोइंग टू सॉल्व. सो अभी देखिए, एक बार फिर से देखिए कि जो अगर आपका c/d कुछ है तो c/d इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. सो हम इसको जब रिवर्स कर देते हैं तो यहां पर देखिए 8/21 है, अब हमें क्या चाहिए, वी वॉन्ट 1, तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 21/8 लिख देंगे. तो 21/8 जब आपने लिखा, ओके, सो 21/8, तो 21 विल गेट कैंसल आउट एंड 8 विल कैंसल आउट, तो क्या बचा, 1, 1, 1, 1, सो फाइनल आंसर इज 1. ओके, सो इसका क्या हुआ कि ये जो फॉर्म है, तो अभी हमने a/b को हमने इसलिए b/a नहीं लिखा, देन यू विल गेट कंफ्यूज, इसलिए हमने c/d करा क्योंकि हम उसको रिवर्स कर रहे हैं. ओके, सो इसमें आप थोड़े से और सम्स अगर हम देखते हैं, अगर हम कहें 3/7 एंड
डैश इक्वल टू वन. तो कैन यू थिंक अबाउट द आंसर? कैन यू थिंक अबाउट द आंसर? यस, सेवन अपॉन थ्री. तो सेवन सेवन कैंसिल, थ्री थ्री कैंसिल, वी गेट द वन. सो वॉट हैव वी लर्न टूडे? वी हैव लर्न मैनी थिंग्स. वी हैव लर्न अबाउट जीरो. वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ वन. वी हैव लर्न अबाउट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द थिंग्स. वी हैव लर्न अबाउट द एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर्स. तो इसमें आपने देखा कि अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें फाइनल आंसर वन चाहिए तो वी रेसिप्रोकेट. इफ वी वॉन्ट द सेम आंसर वी ईदर एड द जीरो और वी मल्टीप्लाई बाय वन. सो दिस वॉज द लर्निंग फॉर टूडे. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, प्लीज डू अ गुड रिविजन ऑफ दिस पोर्शन एंड प्लीज हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस पोर्शन सो दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. ओके, सो क्या करना है आपको? रिविजन. सो टिल वी मीट अगेन, हैव अ नाइस डे.